नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। और देश की राजधानी नई दिल्ली से आज की वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ प्राचीन हनुमान मंदिर से, जो कि रिगल थिएटर के बगल में कनॉट प्लेस के पास में है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो मित्रों, चलिए आज मैं आपको दिल्ली के विभिन्न जगहों पे घुमाऊंगा। और सबसे पहले मंदिर से हमने शुरुआत कर दिया है। यहाँ पे मैंने मंदिर का दर्शन किया और प्रसाद भी लिया। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो यह प्राचीन हनुमान मंदिर, अब धीरे धीरे हम अंदर मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे। यह उसका मुख्य गेट है, आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप दिल्ली आएँ तो एक बार आप हनुमान मंदिर का दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। सुबह से ही पूजा करने वालों का, श्रद्धालुओं का यहाँ पे ताला लगा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि कैसे यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वह पूजा कर करके बाहर जा रहे हैं। आइए। मेरा नाम पंडित ओम प्रकाश वशिष्ठ है जी। मैं ये हनुमान जी की पूजा करता हूँ। हाँ हाँ। और ये हनुमान जी का दिल्ली के अंदर बहुत पुराना मंदिर है जी। लोग यहाँ सुबह से शाम तक पूजा करने के लिए आते हैं। हाँ। निस्वार्थ भावना से सेवा की जाती है जी। इतनी मुझे जानकारी है इस मंदिर के बारे। अच्छा, आज अमावस्या है। आज अमावस्या श्रावण महीने का आखिरी दिन है जी। तो आप जितने श्रद्धालु हैं उनको क्या हनुमान जी से आशीर्वाद दिला रहे हैं? हनुमान जी का आशीर्वाद, आज शंकर जी का आशीर्वाद दिलवा रहे। भोलेनाथ आजाद का आखिरी दिन है जी। अमावस्या पितर देवी देवते महाराज पूरे परिवार पर खुशियाँ कृपा बनाए रख जी जी। ये आप कितने साल से हैं महाराज यहाँ? यहाँ मैं 4 साल से आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे मूलतः कहाँ के रहने वाले? उससे पहले मैं नरेंद्र मोदी के साथ में था प्रधानमंत्री के अहमदाबाद 40 साल। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के साथ? हमारी उसकी नहीं बनी, हमने कोई बात नहीं, सबकी सबसे नहीं बनती है। उसके भाई के साथ में बनती है अभी, बहुत अच्छी। अच्छा, तो चलिए एक बार सब देशवासियों को आशीर्वाद दे दीजिए आप कि सबको अच्छा हो जाए। हम तो बोलते पूरे दिल्ली वासियों को, हाँ, शंकर भगवान की कृपा बनी रहे, उनके पीछे देवी देवते महाराज परिवार पे खुशियाँ बनाए रखें जी। बालाजी महाराज, तिरुपति बालाजी महाराज जी, पूरी दिल्ली पे खुशियाँ बनाए रखें। तो मित्रों, प्राचीन हनुमान मंदिर के ठीक बगल में यह प्राचीन शिव नवग्रह मंदिर है। यह जो पूरा मंदिर है यह बाबा खड़ग सिंह मार्ग नई दिल्ली में है। और उसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। तो हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद आप इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आइए, आप मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको देवों के देव शनिदेव जी यहाँ दिखेंगे, और फिर यहाँ पे यह मंदिर है। आइए जरा हम अंदर की तरफ भी आपको ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्तगण यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मन सुजान, कहत अयोध्या दास देव अभय वरदान। और इस मंदिर के बगल से आप देख सकते हैं यहाँ पे राधे कृष्ण जी का मंदिर, सीता राम जी का यह देख सकते हैं, राम लक्ष्मण जानकी और बगल में हनुमान जी। और यह मंदिर का परिसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं कि अब मैं रिगल सिनेमा के पास आ गया हूँ। यहाँ पीजीआर का रियोली सिनेमा है और यहाँ से कनॉट प्लेस का इलाका शुरू हो जाता है।
जब मैं स्कूल ऑफ एक्टिंग में जब यहाँ कोर्स कर रहा था वर्ष 1996-97 में, तो इस जगह से बहुत पुरानी मेरी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़े मिलते हैं, बगल में यहाँ पे पालिका बाज़ार है और ठीक इसके बगल में यहीं पे आगे जंतर मंतर है। और यहाँ आपको मैं एक अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि मूक बधिर हैं, वह इशारों से अपनी बातचीत कर रहे हैं। तो आइए ज़रा हम आपको दिखाते हैं उनकी क्या क्या गतिविधि है, देखते हैं। एक अद्भुत नज़ारा है, इशारों से सब लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मित्रों, अब आप यहां से देख सकते हैं कि यह बाबा खड़क सिंह मार्ग है, इंदिरा चौक है और यहां से यह कनॉट प्लेस का यह खूबसूरत इलाका, और यहां मेट्रो का लाइफलाइन है, राजीव चौक यहीं पे है, यहीं से सही जगह मेट्रो जाता है। और इधर आप देख सकते हैं कि यह खादी इंडिया का बिल्डिंग, यहाँ पे बहुत सारे, अभी थोड़ी देर के बाद मार्केट सज जाएगा, यहाँ पे कपड़े बहुत सारे मिलते हैं और आगे पालिका मार्केट, और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो जंतर मंतर भी आ जाएगा, वो सब हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। मित्रों, अब हम आ गए हैं जंतर मंतर में और यहाँ पे हम आपको सम्राट यंत्र के बारे में अब आपको बताना चाहते हैं। आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे जो बनी हुई है यह सम्राट यंत्र है। यह सर्व प्रमुख यंत्र है और वेधशाला के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। इसके द्वारा दिन के सही समय की माप सूर्य के झुकाव के द्वारा ज्ञात की जाती है, जिसकी छाया संरचना के ऊपर पड़ती है। यह सबसे बड़ी संरचना है जिसका यथेष्ट भाग धरातल के सतह के नीचे था। इसके आवश्यक अंग के रूप में झुकी हुई शंकुआकार किनारे एवं वृत्त पाद इससे संबंधित है। यह यंत्र 68 फीट ऊँचा है, आप देख सकते हैं, जिसका लगभग 60 फीट भाग धरातल की सतह पर है। आप नीचे से इसको देख सकते हैं। इसके जो शंकुआकार भाग में समकोण बनाते हुए निर्मित है, इस वृत्तपाद के प्रत्येक किनारों पर घंटा, डिग्री एवं मिनट के चिन्ह क्रमिक रूप से अंकित हैं। उत्तरी किनारे पर अंकित माप अंग्रेजी में है, जबकि दक्षिण किनारे का माप भारतीय चिन्ह अंकित है। दोस्तों, यह मिश्र यंत्र है। यह यंत्र अभी जो मैं आपको दिखाया था सम्राट यंत्र से 140 फीट उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस आकर्षण एवं असाधारण संरचना को 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाया गया था, जिसका नामकरण मिश्र यंत्र के रूप में किया गया है, क्योंकि इस एक संरचना में अनेक यंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें दक्षिणोत्तर भित्ति, कर्क राशि, वलय, सम्राट यंत्र, वृत्तपादीय चाप एवं नियत चक्र है। इन यंत्रों में नियत चक्र जो दिल के आकार का आप यहां पे देख सकते हैं, इमारत के केंद्र में स्थित है। यह यंत्र वेधशाला का सर्वाधिक संरक्षित यंत्र है। आप इसको और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूं यह किस तरीके से है। मित्रों, अब मैं आपको जयप्रकाश यंत्र के बारे में बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं यह यंत्र जो पीछे सम्राट यंत्र के दक्षिण दिशा में स्थित है, इसका प्रयोग सूर्य एवं सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। इस यंत्र का प्रतिनिधित्व दो अर्धगोलीय संरचनाएं आप ठीक पीछे देख सकते हैं करती हैं, जिनका व्यास 27 फीट 6 इंच है। इनके चार तरफ से प्रवेश की व्यवस्था है, आप किसी भी तरफ से चारों तरफ से जा सकते हैं। जीआर काय के अनुसार एक समय इनमें राशि चक्र के चिन्ह अंकित थे, जिसके ऊपर धूप की छाया पड़ती थी और यह याम्योत्तर रेखा को सूचित करता था, परंतु वर्तमान में इस तरह के चिन्ह के अवशेष उपलब्ध नहीं हैं। तो आइए, आप बहुत नज़दीक से आप देख सकते हैं यह जयप्रकाश यंत्र है। मित्रों, वास्तव में जो जंतर मंतर है दिल्ली का, और यह जो उस समय चूंकि घड़ी नहीं हुआ करता था, तो यह जो समय मापने का यह जो उपाय था, यह मुझे लगता है कि उस समय के साइंस का यह अद्भुत नज़ारा था कि कैसे इनको बना करके और समय देखा जाता था, सूर्य की किरणों से अंदाज़ा लगाया जाता था। तो मुझे लगता था कि यह एक अद्भुत आविष्कार था, साइंस का एक
बहुत ही बड़ा उदाहरण था। तो मित्रों, अब जंतर मंतर के अंतिम यंत्र के रूप में हम आपको राम यंत्र के बारे में बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जयप्रकाश यंत्र के कुछ ही मीटर दक्षिण में स्थित राम यंत्र का प्रयोग सूर्य, सितारों एवं अन्य खगोलीय जो पिंड हैं उनकी ऊंचाई और दिशा कोण मापने के लिए किया जाता था। यह कार्य इस यंत्र के केंद्र में स्थित स्तंभ की छाया की स्थिति द्वारा किया जाता था। इनमें से एक संरचना में तीन स्तरों में अनेक मेहरादार खिड़की बनी हुई है। आप देख सकते हैं, ये खिड़कियां देख सकते हैं यहाँ पे आप। इस संरचना का कुछ भाग धरातल की सतह से नीचे है। इसके अंदर की दीवार 7.51 मीटर ऊंची है, जबकि भीतरी व्यास 16.65 मीटर है। केंद्रीय स्तंभ की ऊंचाई 751 मीटर है। ये जो पूरा आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप देख सकते हैं, इन दोनों संरचनाओं में 36 क्षैतिज त्रिज्यमखंड निर्मित है जो स्तंभ से दीवार की तरफ जाते हैं। ये त्रिज्यमखंड फर्श से लगभग 3.5 फीट ऊपर है। मैं आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक का। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। यह उस समय के साइंस का एक अद्भुत उदाहरण है इस यंत्र के मामले से। आज जहां सारी दुनिया बड़े बड़े साइंटिस्ट खगोलीय अध्ययन करते हैं, वहां उस समय यंत्रों के माध्यम से किया जाता था। तो मित्रों, इस समय आप दिल्ली देख रहे हैं और यह दिल्ली का प्रमुख जगह यहां से आने वाला है। यहीं से थोड़ी दूरी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है, दूरदर्शन केंद्र है, आकाशवाणी भवन है और संसद भवन है, पुराना भी और उसके आसपास में ही नया भी। मित्रों, चलिए आज दिल्ली की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो दिल्ली का थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी आपका परिचय करा दूँ। जो दिल्ली जो जगह है, अगर हम महाभारत काल के समय की बात करें तो इस जगह को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और यहीं से आगे उस समय इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी और यहीं से महाभारत का आगे वर्तमान समय का हरियाणा क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है उधर युद्ध भी हुआ था। तो मित्रों, जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली की अगर हम स्थापना की बात करें तो 15 दिसंबर 1911 यानी कि आज़ादी के 30-32 साल पहले उस समय के जो यहाँ सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने इसकी नींव 15 दिसंबर 1911 को रखी और जो वास्तुकार थे लुटियंस और बेकर, इन लोगों ने इस दिल्ली नई दिल्ली की नींव रखी, जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक है, इंडिया गेट है, विजय पथ का जो पूरा इलाका है वहाँ से दिल्ली से नई दिल्ली का स्थापना हुआ और आज यह भारत देश की राजधानी है और यह जो दिल्ली है, हमारा जो भारत है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आइए हम चलते हैं आगे। बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी की हो, हमारे ऊपर हर लोग जुर्म करते हैं और जबकि कानून बना हुआ है, लेकिन जो जालिम है, जुर्म करने वाला है, वो कानून से नहीं डरता, क्योंकि कानून में जो सब सजा दे रखी है वो सजा सभी बिल्कुल नहीं डरते। और हमारे राम निवास वाल्मीकि पर जो अत्याचार किया है और उन्होंने सहा है, और मैं बड़े अचंभा है मुझे कि ये बताने कई वर्षों से हो रहा है और ये लोग जो कर रहे हैं SC ST में मुकदमा भी उन्होंने या एप्लीकेशन भी लगाई है तो उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। बड़े अफसोस, दिल्ली जो देश की राजधानी बनना है, आप और हम सब सफल करेंगे इस मुहिम को और इन जुर्म करने वालों को गिरफ्तार कराएंगे, कानूनी कार्रवाई कराएंगे, लेकिन आप पीछे नहीं हटना जब तक आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँचे। मेरा सभी से पुनः आग्रह है कि आप इसमें हतोत्साहित ना हो और आज जो लोग आए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी के द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हो रहे धर्म परिवर्तन
और हिंदू वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को स्टूडेंट के विरोध में एक महापंचायत यहाँ पे हड़ताल किया जा रहा है। मित्रों, लोकतंत्र में अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल या इस तरह का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र नहीं है। इस बात का संदेश हम अपनी आने वाली प्रयोग में दे रहे हैं। चलिए आप जुड़े रहिए, हम दिखाते हैं दिल्ली के कुछ और। मित्रों, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो कनॉट प्लेस जंतर मंतर में जाता है और इसके ठीक बगल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का यहाँ एक बहुत बड़ा ब्रांच है। हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो बैंक है यह भारत में इसके लाखों कई लाख शाखाएं हैं और यह सबसे बड़ा बैंकिंग सेक्टर है। चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर जो है वह मुंबई में है और देश में 17 बड़े उसके रीजनल हेड क्वार्टर्स हैं और आप यहां से देख सकते हैं। और इसके ठीक बगल में मैं आपको दिखाता हूं कि ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहां पे बाइबल हाउस 10 जनपद संसद रोड पे है और यहाँ से आगे जो है वह संसद भवन, आकाशवाणी भवन, दूरदर्शन केंद्र की तरफ जाता है। तो आप हमसे बिल्कुल बने रहें, आज दिल्ली के बहुत सारे जगहों पे हम आपको ले जाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली के सफ़र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संसद मार्ग है, आगे यह जो जगह है संसद की तरफ जाता है। और अब मैं आपको एक ऐसे जगह पर ले जा रहा हूँ, अंदर मैं यहाँ पे घुस रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने यह जो आपको एक विशाल स्टैचू दिख रहा है, तो आइए ज़रा हम यहाँ पे चलते हैं। और मित्रों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो स्टैचू आप देख रहे हैं यह भारतीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यह स्टैचू है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था और आप भारतीय एकता के सूत्रधार इसलिए माने जाते हैं कि ये देश के प्रथम गृह मंत्री रहे और गृह मंत्री के रूप में स्वतंत्रता के बाद देश के करीब 550 से ज़्यादा जो हमारे देश में जो रियासत थे, जो राजा महाराजा थे, उसे उन्होंने एक किया और एकता में सबको, पूरे देश को सूत्र में बांधा। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया होगा। उस समय हमारे पास कम्युनिकेशन का उतना साधन नहीं था और एक महान देशभक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 दिसंबर 1950 को यानी कि करीब 75 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिए। मैं उन्हें नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो मित्रों, आप बने रहिए, हम और आगे आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आकाशवाणी भवन और दूरदर्शन केंद्र के पास। मित्रों, यह जो यहाँ से आप ये भवन देख रहे हैं यह आकाशवाणी महानिदेशालय का यह आकाशवाणी भवन है और यह जो आकाशवाणी है इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। हम लोग जब छोटे थे तब से लेकर रेडियो सुनते थे, उस समय रेडियो ही मनोरंजन का साधन होता था। अंबिकापुर आकाशवाणी से जुड़कर मैं भी पढ़ाई के दौरान युवाणी कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम में मैंने भाग लिया हुआ है। दिल्ली आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी मैं जुड़ा हुआ था यहाँ पे पढ़ाई के दौरान। और आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पे प्रसार भारती आकाशवाणी भवन, ये पूरा भवन है और यह समय समय पर यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि 3 अगस्त यानी कि कल ही यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे आकाशवाणी म्यूजिक कॉन्सर्ट में दिल्ली में हुआ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से ही ये शुरू हो जाता है पूरा, ये आप देख सकते हैं बोर्ड में यहाँ पे यह पूरा आकाशवाणी भवन का। और ये रहा उसका मुख्य गेट और इसी तरह यहीं से लगा हुआ इसी के अंदर दूरदर्शन केंद्र का भी ऑफिस है, आप देख सकते हैं, जिसकी स्थापना 1959 में हुई है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं।
लोकतंत्र का महापर्व यहाँ पे यह है आकाशवाणी दिल्ली की विशेष प्रस्तुति, और ये गेट नंबर 2 है, और पूरा ये भवन वर्ष 1996-97 में स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई के दौरान मैंने यहाँ दूरदर्शन में बहुत सारे कार्यक्रम भी दिए हैं, और आप देख सकते हैं हमेशा स्क्रीन पे चलते रहता है। तो यह जो पूरा इलाका है इसका जो बनावट है वो थोड़ा हम आपको अंदर से थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं कि कितना पुराना, कितना भव्य और किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे यह आकाशवाणी भवन, और इसके ठीक बगल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे ऑफिस है। यहीं से पूरे देश में जो पैसे का संचालन है, नए नोट का पूरा जो कंट्रोल है भारत का, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पे संदेश, यह दूरदर्शन आकाशवाणी का नारा रहा है शुरू से। पूरे देश में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग संपन्न रहें, आपस में सद्भावना हो, एकता हो, भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का नारा हो। और अब हम पहुंच गए हैं, यह दूरदर्शन का प्रसारण भवन बिल्डिंग है। मैंने बताया कि इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1959 में हुई, और फिर बाद में बहुत सारे सीरियल धारावाहिक हम देखे, क्योंकि आज सैटेलाइट का समय है, सैटेलाइट के युग में बहुत कुछ बदल गया। तो ये रहा प्रसारण भवन, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग हाउस है ये। अब यहाँ से आप जुड़े रहिए, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और एक्सपो वगैरह भी लगा रहता है। इस समय सिल्क एक्सपो लगा हुआ है, हम वहाँ भी चलेंगे। तो दोस्तों, इसी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लब में सीनेट्री कैफे है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यह बनाया गया है। ये देखिए फिल्म का प्रोजेक्टर, और फिर अंदर हम आपको इसको दिखाएंगे। एक खूबसूरत यहाँ का चेयर, अभी यहाँ पे हम चाय कॉफ़ी भी पियेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनाया गया है यहाँ पे। यह सीनेट्री कैफे है, बहुत खूबसूरत बैठने का बहुत अद्भुत नज़ारा। तो हम यहाँ भी चाय भी पियेंगे, इसके पीछे गार्डन भी है। लेकिन उससे पहले हम ज़रा नेशनल सिल्क का जो एग्जीबिशन है, एक्सपो है, उसको देख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं नेशनल सिल्क एक्सपो एग्जीबिशन कम सेल। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के 3 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक होगा। रक्षाबंधन स्पेशल यहाँ पे बहुत है। आइए जरा हम अंदर भी आपको ले चलते हैं, यहाँ पे किस तरह से सिल्क की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो आइए ज़रा हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। देख सकते हैं ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग ड्रेस, और ये सिल्क का जो चीज़ें हैं, ये बनारस का सिल्क है, सभी जगहों के सारे सिल्क यहाँ पे कपड़े हैं। यहाँ पे देश के कई राज्यों, कई जगह पे यहाँ पे है रक्षाबंधन स्पेशल यह एग्जीबिशन लगाया गया है, और सेल भी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा यहाँ पे यह लगाया गया है। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक सिल्क एक्सपो से अब हम आ गए हैं वापस सीने ट्री कैफे में, और ये रहा मेरा चाय, और बहुत ही अच्छी यह चाय है। हमने वीडियो में दिखाया था कि यहीं पे ठीक सामने एक प्रोजेक्टर है, और यह सीने ट्री कैफे है। तो आज हम सिनेमा की बात करेंगे। मित्रों, आज आज़ादी का 77 साल पूरा हो गया है, और देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है वह आप सबके सामने है। पिछले 77 वर्षों में हमारे देश ने बहुत सारा विकास किया है, सड़क, पुल, पुलिया, हाईवे, एयरपोर्ट,
लेकिन उसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी चीज़ें भी बढ़ी है। और चूंकि सिनेमा की बात है तो इन्हीं विषयों को लेकर हमारी फिल्म प्रयोग बहुत जल्द आने वाली है, आप उसे ज़रूर देखें। उसकी बहुत सारी शूटिंग दिल्ली में भी हुई है, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। तो ठीक पीछे कृषि भवन, संसद भवन को छोड़ते हुए अब हम आगे आ गए हैं और चलते चलते हम आपको दिल्ली शहर घुमाना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे दिल्ली के VIP इलाका या प्रचार, और थोड़ा हम ऑटो में घूम रहे हैं दिल्ली पुलिस का फोर्स। और आप देख सकते हैं कि यह रायसीना रोड है और यहाँ पे सभी VIP लोगों का यह बंगला, यहाँ से यह जो रास्ता जो देख रहे हैं यह जंतर मंतर की तरफ जाता है। और आप इधर देख सकते हैं कि बहुत सारे VIP लोगों का यह बंगला। तो आप बने रहिए हमारे साथ, यह नेशनल मीडिया सेंटर का बिल्डिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यह मीडिया सेंटर का यह। यह पूरा का पूरा यह TR बालू जी का यहाँ पे बंगला दिख रहा है। और आगे की तरफ हम जाएंगे तो यह जो रास्ता है वह जनपद रायसीना रोड का यह नज़ारा आप देख सकते हैं। इसके ठीक आगे बहुत ही खूबसूरत और अच्छा होटल यहाँ पे संग्रीला इरोज न्यू दिल्ली है, यह अशोका रोड का इलाका है। और यहाँ से हम धीरे धीरे जाएंगे मंडी हाउस की तरफ। आप देख सकते हैं यह खूबसूरत दिल्ली, लेकिन जितना दिल्ली खूबसूरत है उतनी ही लंबी दिल्ली की कहानी भी है। यह फिरोज शाह की तरफ हम आ गए हैं, पूरा यह जो इलाका है यह है। सारे बड़े मिनिस्टर्स, सारे नेता जो देश को चलाते हैं उनका यहाँ पे बंगला है। दोनों तरफ हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। और तो दोस्तों अब हम दिल्ली के इस सफ़र में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि श्री रामचरण अग्रवाल चौक है, यहाँ से बारखंभा रोड, तामसेन मार्ग, सफदर हाशमी मार्ग है, यहीं पे आगे श्रीराम सेंटर, कल्चर ऑफ आर्ट और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो आइए ज़रा हम आपका परिचय सबसे पहले करा दें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। दिल्ली में आए और दिल्ली में कला संगीत की बात न हो तो आप देख सकते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाहर का यह पोस्टर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त और 11 अगस्त को यहाँ पे 18वां मिथिला रंग महोत्सव यहाँ पे हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं नाटकों का यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर, जिसमें कि विजय तेंदुलकर जी का सुप्रसिद्ध नाटक खामोश अदालत जारी है। हम आपको बता दें कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD यह रंगमंच का और नाटकों का एक संस्थान है। वर्ष 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्ष 1975 में इसको इंडिविजुअल कर दिया गया, मतलब यह स्वयं में एक संस्थान हो गया। देश के सुप्रसिद्ध अभिनेता परेश रावल जी इस समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूरे जो बाउंड्री वॉल है उस पे पूरा नाटकों का यह पोस्टर लगा हुआ है, भारत रंग महोत्सव। और पूरा आप जब यहाँ पे आएंगे तो इस जगह का जो वातावरण है अपने आप कला संस्कृति नाटक, इसके ठीक आगे दूरदर्शन का भी ऑफिस है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं कला संस्कृति से जुड़ा हुआ। उन सब जगहों को हम आपके पास ले जाएंगे, आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पे भारत रंग महोत्सव के बहुत सारे नाटकों का यह पोस्टर। और अब हम धीरे धीरे इसके मुख्य गेट पे आ जाते हैं। वास्तव में जो नाटक है, जो सिनेमा है,
और खासकर जो नाटक है इससे सामाजिक परिवर्तन संभव है। हम इसके अब गेट पे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पोस्टर लगे हुए हैं, 1 ईयर एक्टिंग कोर्स, एक्टिंग एंड थिएटर कोर्स, और ये रहा यहाँ का मुख्य गेट। आप देख सकते हैं कि यह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाटक और कला का यहाँ अद्भुत संगम होता है, और आप ये देख सकते हैं। तो मित्रों, कला संस्कृति आकाशवाणी, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यह दूरदर्शन भवन है, और यहाँ का ये जो पूरा इलाका है यह कला और संस्कृति का क्षेत्र है। यहाँ पे आइए हम आपका सभी से परिचय करा देते हैं, और सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वाद्य यंत्र संग्रहालय है, यह संगीत नाट्य अकेडमी नई दिल्ली, यानी कि संगीत नृत्य एवं नाटक का राष्ट्रीय अकेडमी है, यह भी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे संगीत नाट्य अकेडमी है, और यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम आपको कला संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों का परिचय कराएंगे। एक बार फिर आपको दिखाना चाहते हैं यह दूरदर्शन भवन, दूरदर्शन केंद्र, इस पे 10 मार्च 2024 से हर रविवार सुबह 11:30 बजे सरदार द गेम चेंजर हर रविवार को आता है, और यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो तामसेन मार्ग, सफदर हाशमी मार्ग, बारखंभा गोरसा रोड, भगवान दास रोड है, और इसके ठीक बाएं तरफ अब हम आपका संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली, या जो कि फिरोज शाह रोड में है, और यहाँ पे आगे यह जो आप पीछे भवन देख रहे हैं यह रविंद्र भवन है। यहाँ पे साहित्य अकेडमी है, ललित कला अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी है। आइए ज़रा हम सबसे पहले आपको इसका यह मुख्य आपको गेट दिखा दें। ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इधर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे यह रविंद्र भवन है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी है, और ये आप यहाँ पे देश के हमारे कला संस्कृति साहित्य के जो विरासत है, कला का जो विरासत है ललित कला के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उसका यहाँ पे सृजन है। तो बने रहिए, आगे चलते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको एक स्टैचू दिखा रहे हैं, ये है अलेक्सांद्र पुश्किन। इनका जो जन्म है वह 1799 ईस्वी में मॉस्को में हुआ था। आप एक बहुत बड़े रूसी संगीतकार हैं, गीतकार हैं, नाटककार हैं, लघु कथा के बहुत बड़े राइटर हैं, नाटककार हैं, और इन्हें इनके देश में बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र में, और यही कारण है कि अलेक्सांद्र पुश्किन का जो स्टैचू है ठीक यहाँ पे ललित कला अकेडमी के बाहर लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहीं पे यह रविंद्र भवन का पीछे का इलाका है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम और आगे भी चलते हैं, और यहीं से एक सुंदर नज़ारा हम आपको और दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक कला का अद्भुत नमूना है जो कि श्री राम सेंटर कल्चर ऑफ आर्ट के पास में है। थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाते हैं, आप ये देख सकते हैं। पीछे देख रहे हैं बिल्डिंग भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक पीछे इसका यह आप देख सकते हैं बहुत ही भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का यह भवन, और यहाँ से हम आगे की तरफ अब चलेंगे। तो यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का यहाँ पे, और वास्तव में मित्रों नई दिल्ली जो है वह बहुत ही देश की राजधानी है, बहुत सारी यहाँ चीज़ें हैं देखने करने को। देख सकते हैं राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र है यहाँ पे, और यहाँ से शुरू हो जाता है पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, बलवंतराय मेहता लेन। तो दोस्तों, मंडी हाउस इलाके में कला संस्कृति के बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं ठीक हिमाचल भवन के बगल में यह संगीत
भारती है यहाँ पे, जहाँ संगीत के क्षेत्र में बहुत सारे काम होते हैं। और इसके ठीक आगे आप देख सकते हैं कि यह श्री राम सेंटर कल्चर और आर्ट है। इन्हीं जगहों पर कभी देश के किंग खान शाहरुख खान जी यहाँ पे नाटक सीखते थे, करते थे। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं और बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो यहाँ इंडस्ट्री और श्री राम सेंटर आर्ट से नाटक करते हुए आज देश विदेश में कलाकार परचम लहरा रहे हैं। तो बने रहिए, आगे हम चलेंगे श्री राम सेंटर कल्चर ऑफ आर्ट के पास, नाटकों के बारे में आपको बताएंगे। मैं आ गया हूँ श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे नाटकों का यह पोस्टर बैनर यहाँ किताब, और ये है शंकर लाल मुरलीधर ऑडिटोरियम। मित्रों, यह जो श्री राम सेंटर फॉर कल्चर आर्ट है, अपने पढ़ाई के दौरान एक वर्ष का मैंने यहाँ पे स्वर्गीय पंचानंद पाठक जी के मार्गदर्शन में स्कूल ऑफ एक्टिंग में एक साल का मैं यहाँ पे कोर्स किया हूँ। जनतंत्र, जिंदाबाद सहित कई नाटकों का हमने मंचन किया। स्वर्गीय पंचानंद पाठक जी, जो कि पहले NSD के प्रोफेसर थे, नई दिल्ली सहित बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया, और अभी जल्द ही उनकी स्मृति में यहाँ पे इसी जगह पे एक सप्ताह का नाटकों का एक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो ये है पूरा, आप देख सकते हैं शंकर लाल मुरलीधर ऑडिटोरियम, और ये एक सांस्कृतिक जगह, यहाँ से थिएटर के तमाम लोग यहाँ पे थिएटर सीखते हैं। शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार भी यहाँ पे नाटक कर चुके हैं और आज देश दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, भारत का नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं अंदर का नज़ारा, ये रिहर्सल हॉल्स है, और ये बाहर भी कितना खूबसूरत यहाँ का कला और संस्कृति के लिए काफ़ी है। देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ नाटकों का आपको पोस्टर दिख जाएगा, रोज़ शाम को यहाँ पे ले होता है। और इसी श्री राम सेंटर के अंदर हमने एक साल का कोर्स किया है, कई नाटकों का मंचन भी किया है। बहुत सारी पुरानी यादें हैं, बेसमेंट में हम लोग उस समय करते थे, हमारे मित्र अजय आनंद जी और बहुत सारे लोग यहाँ पर हम लोग एक साल का कोर्स किए हैं। हमारे गुरुदेव अब नहीं रहे, पंचानंद पाठक जी, काफ़ी यादें हैं उनके साथ। तो मित्रों, दिल्ली के इस सफ़र में अब मैं आ गया हूँ कर्तव्य पथ, यानी कि इंडिया गेट के सामने। आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा पथ है, इसे कर्तव्य पथ कहा जाता है, और इसके ठीक सामने यह इंडिया गेट है। और इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो इसके ठीक इस साइड देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है। यहाँ थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यह देश के राष्ट्रपति जी का निवास है, और उसके ठीक सामने यह पूरा कर्तव्य पथ। और धीरे धीरे अब हम चल रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। इंडिया गेट का जो स्थापना है वह वर्ष 1931 में किया गया था, और इसका जो डिजाइन है इसे बालन शाह ने किया था। यह जो पूरा इंडिया गेट है, इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक यह लगभग 21 मीटर ऊंचा यह एक स्तंभ है, जिसमें 90,000 सैनिकों का इसमें नाम सब जगह लिखा गया है। युद्ध में जो शहीद हुए थे तो उनका यह एक स्मारक है। आप देख सकते हैं आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, देश विदेश से आए हुए लोगों का पूरा यह जो जगह है, यह अद्भुत नज़ारा रहता है। जैसे जैसे हम इंडिया गेट की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे भीड़ जो है, लोगों का रस जो है वो बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं सभी लोग आज यहाँ पे परिवार के साथ अकेले सब जगह से लोग घूमने आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं। पूरा यह जो इलाका है आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे घूमने वालों का, सैलानियों का यह जगह है। बीच में अपने रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे कुछ कुछ लोग काम करते रहते हैं वो भी, और एक से एक यहाँ नज़ारा, कोई रील्स बना रहा है तो कोई वीडियो बना रहा है, मैं भी उसमें ही शामिल हूँ। तो जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यह भीड़ यहाँ बढ़ते जा रही है। पूरे देश से, दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, तो सबका अलग अलग काम है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे।
यंगस्टर बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ, फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं और एक से एक अपने अपने स्टाइल में। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे रील्स बनाने का, फोटो बनाने का, घूमने का, देखने का। और यह बहुत ही सुंदर लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ठीक सामने यहाँ पे यह इंडिया गेट के हम नज़दीक जा रहे हैं आगे। दोस्तों, इस फोटो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नई राजधानी है उसका किस तरीके से बना है। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में राजधानी घोषित किया गया और मार्च 1912 में टाउन प्लानिंग का गठन किया गया। फोटो आप देख सकते हैं, उस समय नई राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान की शुरुआत खोज की गई और फिर रायसीना हिल के जो भूखंड है उसको पूरा समतल किया गया इस इलाके को। और आप देख सकते हैं कि अंततः 1913 में रायसीना हिल्स का चयन किया गया। कर्तव्य पथ के दोनों तरफ है इमारतें प्रभावित हुई परंतु इनका निर्माण नहीं हो पाया। 1913 का यह एक रेखा चित्र है, प्लानिंग है। आइए हम ये निर्माणाधीन नई राजधानी का एक फोटो आप देख सकते हैं और यह 1931 में यह इंडिया गेट का जो निर्माण हो रहा था उस समय का दृश्य। अभी हम इंडिया गेट के पास भी जाएंगे, आगे हम आपको दिखाते हैं कि 1931 में नई राजधानी का उद्घाटन किया गया और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं वर्ष 1935 का है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यह 1947 भारतवासियों ने समाहित जो शाही इमारत है उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया भारत के लोग जो है। ये 1955 आप देख सकते हैं गणतंत्र दिवस परेड, आप देख सकते हैं यह स्वतंत्र भारत का कर्तव्य पथ है। 1951 जनवरी कर्तव्य पथ, तब राजपथ की पहली यह गणतंत्र दिवस परेड है। ये द्वितीय विश्व युद्ध 1940 में नई राजधानी सैनिकों के लिए अस्थायी यहाँ पे जो बैरक बनाए गए थे। आइए थोड़ा हम इस कहानी को और आगे आपको ले चलते हैं और पूरा चित्रों के माध्यम से बताया गया है। और ये जो कुना जो है कर्तव्य पथ का यह निर्माण किया गया है और इस कर्तव्य पथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, कार्यकारी इंक्लेव, राष्ट्रीय संग्रहालय साउथ ब्लॉक में, उपराष्ट्रपति निवास, केंद्रीय सम्मेलन कक्ष, कर्तव्य पथ, वाणिज्य कक्ष, साथ में राष्ट्रीय संग्रहालय नॉर्थ ब्लॉक, मौजूदा संसद भवन, उसके ठीक बगल में नया संसद भवन, राष्ट्रीय अभिलेखा, केंद्रीय कॉमन, राष्ट्रीय समर नेशनल स्टेडियम और यहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में है और कर्तव्य पथ का और ये पूरा यह इसके बारे में जानकारी दी गई है। अभी ये आप नया देख सकते हैं, आप इसको ये देख सकते हैं, पैदल चलने के लिए कुछ मास्क तैयार किया गया है। तो यह चित्र के माध्यम से आप देखिए और अभी हम बाहर इंडिया गेट देखेंगे। हमसे आप बने रहिए, जुड़े रहिए। तो दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं कि हम इंडिया गेट के बहुत नज़दीक आ गए हैं और बिल्कुल नज़दीक से मैं वहां आपको दिखाऊंगा। और आप आज यहां संडे है और यहां घूमने देखने वालों का भीड़ देख सकते हैं। बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं अब इंडिया गेट के और ये देखिए इंडिया गेट। हमें भी बताएंगे कि आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया, मैं पहले भी आपको बता सकता हूं। और यहां पे देश विदेश के सैलानी आते हैं और ख़ासकर जब विदेश के लोग इसको देखने आते हैं तो काफ़ी लोगों का एक उनसे मिलने का, उनके साथ फ़ोटो खिंचाने का बहुत क्यूरियसिटी रहता है। तो आप उसी तरह का एक नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कुछ फॉरनर्स यहाँ पर आए हैं, लोग उनके साथ पिक खिंचा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ठीक इंडिया गेट के ठीक सामने। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? हाय, यू कम फ्रॉम इंग्लैंड, हाउ डू यू फील इंडिया? वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। योर गुड नेम? एलिस। एलिस, थैंक यू। दोस्तों, ये इंडिया गेट आपको मैं ऊपर से नीचे तक दिखा रहा हूँ और अभी और आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली आदेश है कि स्मारक की दीवार और वही जरा हम उस साइड भी करते हैं। और यह जो धरोहर है इंडिया गेट और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
लोगों का कितना जमावड़ा है, रविवार की वजह से थोड़ा भीड़ ज़्यादा है। वैसे इसको देखने के लिए लोग हमेशा भी यहाँ आते रहते हैं, देश विदेश से, बहुत ही सुंदर। अब इंडिया गेट के हम दूसरे साइड आ गए हैं और यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का भीड़ भाड़ है। और अब हम आगे जा रहे हैं आगे की तरफ, तो और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे विदेशी सैलानी भी बहुत हैं। अभी अभी मेरी मुलाकात एलिस से हुई, और एलिस इंग्लैंड से हैं, उनके साथ मैंने पिक भी लिया, उनको उनसे इंडिया के बारे में पूछा भी, तो काफ़ी इंग्लैंड से लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। और फिर इंग्लैंड और भारत का बहुत पुराना रिश्ता है, और अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं। अच्छा इसलिए कह सकते हैं कि वो फ़िलहाल हमारे सहयोगी के रूप में है, और ख़राब इसलिए भी कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमारे देश में बहुत सालों तक राज किया है। खैर उन सब चीज़ों को अब हम भूलते हैं, और आइए अब हम आपको एक स्टैचू दिखाते हैं या तस्वीर दिखाते हैं। बहुत ही भव्य यह तस्वीर है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा। तो दोस्तों इंडिया गेट के इस परिसर में ही आप देख सकते हैं क्या बहुत सुंदर यहाँ पे ये झरना है, पानी है, और लोग यहाँ पे देश के कोने कोने से आते हैं, खुश होते हैं। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छा फवारा, और लोगों का आना जाना और यहाँ पे खेलना फैमिली के साथ। आइए ज़रा हम इस झरने को थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर नज़ारा, काफ़ी यहाँ पे सुविधा भी है, व्यवस्था भी। आप देख सकते हैं कि सामने एक सुरक्षा में लगे हैं, कोई पानी के नज़दीक ना आए। अगर कोई नज़दीक आके सेल्फी वगैरह लेता है तो उसको वह सीटी बजा के और मना करते हैं कि आप पानी के नज़दीक ना आए, सिर्फ घूमें देखें फिरें। और देखिए किस तरह से इंडिया गेट के पास का यह खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों नमस्कार, यह नई दिल्ली है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह राष्ट्रपति भवन का गुंबद आपको दिख रहा है, उसके बगल में संसद भवन, पुराना और नया दोनों है। मित्रों अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो 15 अगस्त 2024 जब आएगा तो हमारे देश को स्वतंत्र हुए 77 साल हो जाएगा। अब इन 77 सालों में हमने क्या पाया और क्या खोया, इसकी समीक्षा कुछ चंद लाइनों में मैं करना चाहता हूँ। मित्रों इस समय हमारे देश में करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं। आइए जरा उस भीड़ का नतीजा नज़ारा हम इंडिया गेट के ठीक सामने देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे देश विदेश से आए हुए हैं, खासकर देश से। तो मित्रों पिछले 77 सालों में जो देश की वर्तमान दशा और दिशा है, हम यह कह सकते हैं कि कई पार्टियों के करीब प्रधानमंत्री के रूप में हमने करीब करीब 15 चेहरे बदले हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत उन्नति किया है। रोड, सड़क, पुल, पुलिया, एयरपोर्ट, हाईवे, आज हम दुनिया के विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मित्रों इसी गति से हमारे देश में चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें भी बढ़ी है। भ्रष्टाचार का तो यह आलम है कि नए नए तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के तो सारे आयाम ही टूट गए हैं। मित्रों आज विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर देश की वर्तमान दशा और दिशा क्या है। मित्रों इस समय मैं जब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो इस कर्तव्य पथ, विजय पथ, राष्ट्रपति भवन के सामने और इंडिया गेट के ठीक सामने का जो टेम्परेचर है यह 34 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यह तो दिल्ली की गर्मी है और दिल्ली की सर्दी है, पानी नहीं हो रहा है इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा है, ठंड आ जाएगी तो दिल्ली की सर्दी भी आपको पता है। लेकिन मित्रों इस समय अगर कुछ चीज़ गर्म है तो यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर नया लोकसभा का भवन है, जहाँ इन दिनों राजनीति की बहुत गर्माहट हो गई है। विपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जो तेवर है वह इस समय चरम पे है। हमारे देश के माननीय
और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बहुत कार्य किया है और इसीलिए तीसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। लेकिन कुछ सीटें कम होने की वजह से इस समय सरकार जो है वह थोड़ी सी पता नहीं क्यों झुकी झुकी से नज़र आ रही है और विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है वह चरम पर है। तो मित्रों, आज विचार करने की बात यह है कि आखिर 77 सालों में जनता ने क्या पाया और क्या खोया। हम वोट देते हैं, चुनाव में वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं। कल ही मैं दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में था और देश के सभी प्रधानमंत्री जी का जीवन परिचय देख रहा था, सुन रहा था और वीडियो बना रहा था। लेकिन इस समय आज मैं विचार करना चाहता हूं कि देश की स्थिति परिस्थिति क्या है। आखिर 140 करोड़ देशवासियों को क्या मिला, आखिर हमारे देश में कितना सुधार हुआ। तो मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि देश की जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है और इसीलिए अंदरूनी ताकतें भी बढ़ती जा रही है और इसी विषय पर हम सब लेकर आ रहे हैं निर्देशक गोविंद मिश्र की फिल्म प्रयोग, जिसे आप बहुत जल्द देख सकेंगे। तो मित्रों, आप खुद भी विचार कीजिए कि इस समय हमारे देश की दशा और दिशा क्या है। मेरा नाम यशवर्धन सिंह है, मैं आज ही सुबह दिल्ली आया हूँ। अभी हम इंडिया गेट वॉर मेमोरियल घूम रहे हैं, यहाँ घूम के मेरे को काफ़ी सही लग रहा है। तो मित्रों, इंडिया गेट जो इस समय है वह देशभक्ति के रंग में भी डूबा हुआ है क्योंकि आज के ठीक 11 दिन बाद 15 अगस्त आ रहा है और उसी कड़ी में मैं आपको कुछ कलाकारों से मिलवाना चाहता हूं जो कि यहां पे इस 15 अगस्त के ऊपर कुछ देशभक्ति रील और गाना बना रहे हैं। तो आइए ज़रा हम सबसे पहले बात करते हैं। तो जी, अपना नाम बताइए और आप लोग क्या बना रहे हैं बताइएगा। मेरा नाम शालू है, मैं रोहतक से हूँ जी, और हम कुछ स्टंट की वीडियोस बना रहे हैं देशभक्ति के ऊपर। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपका नाम। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित सैनी, हम लोग रोहतक हरियाणा से हैं जी, और हमारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का काम है। हम हर जो कोई फेस्टिवल कुछ आने वाला होता है तो उससे रिलेटेड हम वीडियो शूट करते हैं, तो आज 15 अगस्त के उसमें हम लोग शूट करते हैं। अच्छा, आपने क्या काम किया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। अच्छा प्राची, आप बताइए। मेरा नाम काफ़ी है। अच्छा, और आज हमने डांस की और स्टंट की दोनों वीडियोज़। अच्छा, दोनों वीडियो बनाए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कलाकार यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो 15 अगस्त का आप सभी को पहले से शुभकामना और आप जो बना रहे हैं वह बहुत हिट हो। तो मित्रों, आप सभी का धन्यवाद और सभी कलाकारों का भी धन्यवाद।